हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी। दिस इज हर्षित तोमर, सीनियर फैकल्टी एट आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट सेकंड। जैसा कि इस सेशन से पहले जो मेरा वीडियो आया था वो बैकग्राउंड था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखना शुरू करें, कंटिन्यू करें। तो आज का हमारा जो सेशन है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बैकग्राउंड था कि अमेरिकन कॉलोनीज कैसे बनती हैं, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जो कि आपका यूपीएससी मेंस, एपीएससी मेंस का पार्ट है। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्ट का, हेडक्वार्टर बेस्ड इन गुवाहाटी। क्लियर? सारे फैकल्टीज दिल्ली के हैं और सब एलीट फैकल्टीज हैं दिल्ली के। तो आप में से जितने लोग सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज एपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द एनरोल कराएं अपना नाम और अपनी तैयारी को एक नई दिशा निर्देश, एक नया डायरेक्शन दें, एक सही डायरेक्शन दें। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट ब्रिटेन एस्टैब्लिश्ड इट्स 13 colonies in America. Clear? Now that means America जिसको आज हम United States of America कहते हैं, North America, तो एक समय पर America भी किसकी colony था? Britain की। और Britain that means Europe, this side Europe, so this side Atlantic ओशन। क्लियर? तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई, याद रखिएगा, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका, दैट मींस ऑन एटलांटिक कोस्ट, टोटल 13 colonies। क्लियर एवरीवन? कनाडा में कौन है? कनाडा में था फ्रांस, कनाडा वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रांस। क्लियर एवरीवन? ओके, देन सेंट्रल अमेरिका लाइक मेक्सिको, क्लियर, यहां पर स्पेन, देन लैटिन अमेरिका जिसको कहा जाता है ब्राजील, यहां पर किसकी कॉलोनी थी? याद रखिएगा, ब्राजील वाज द कॉलोनी ऑफ पोर्चुगीज। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अब 13 कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की अपनी नॉर्थ अमेरिका में। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों होगा? अब सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब भी आप किसी चीज की तैयारी करें, अब देखिए यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मेरे साथ ही आप सभी लोग इस वीडियो को देखते देखते अपने नोट्स भी बनाएं, ताकि अब जब आप चीजें पढ़ेंगे पूरी क्लियर हो जाएंगी। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू प्रिपेयर वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या है? जब भी आप किसी रेवोल्यूशन, जब भी आप किसी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ें, तो इन 5 चीजों पर आपको फोकस करना है। Now try to understand those 5 things. Now American War of Independence, first of all economic causes, that means कौन सी ऐसी economic policies होंगी ब्रिटिशर्स की, then political causes, then social causes, and then हर इंडिपेंडेंस, हर रेवोल्यूशन में
कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो लोगों को, जनता को अवेयर करेंगे. दैट मीन्स रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. एंड हर वॉर का इमीडिएट कॉज भी होता है, इमीडिएट कॉज. क्लियर? दैट मीन्स ईच एंड एवरी रेवोल्यूशन, ईच एंड एवरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन दीज फाइव कॉजेज, these five factors. Clear everyone? So first we'll try to understand the economic causes of American War of Independence. So you can see here economic causes. Now try to understand. Let me tell you one more formula, that economic cause is one of the biggest disturbance of the world. Any war, any conflict, okay, that had been caused in modern times, it is because of economic causes. Each and every revolution, each and every conflict starts from economic causes. You can see current situation, Sri Lanka economic crisis. Why? Because of economic causes. Clear? So, American colonies were settled by British Crown. So, British Crown ne kitni colonies bana li America mein? 13 colonies. British Crown established 13 colonies in America. Now, so they conceded these colonies, and in this background, they framed economic policy of America. Ab economic policy kyun? Ab kuch acts leke aaye British Parliament. Ab kaun-kaun se acts hai? Now try to understand. Now see, you can see this. Colonial policy of England in economic matters, it was the primary cause of resentment in American colonies. अब मान लो कि आज अगर चाइना का रूल आ जाए इंडिया पर और चाइना हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना लेने लगे और इंडियंस पर टैक्सेस इंपोज करने लगे, तो हम क्या करेंगे? रेवोल्यूशन करेंगे, विद्रोह करेंगे. समझ में आ रहा है? अब उस टाइम समझो अमेरिकन के ऊपर लॉस कौन बना रहा है? इंग्लैंड, ब्रिटेन. सो और कौन सी पॉलिसीज? इकोनॉमिक पॉलिसीज. सो इंग्लैंड पॉलिसीज डिड नॉट एनकरेज अमेरिकन कॉलोनीज to develop an economy of their own. ये एक तरीके का exploitative nature था किसका? Britain economic policies का. किसके ऊपर? याद रखिएगा, अमेरिका के ऊपर. अब कौन-कौन सी economic policies लाई गई? So economic policies were formulated in such a way that it led to the exploitation of the people of America. समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से exploitation शुरू हो गया था. अब कौन कौन से ऐसे एक्ट्स आए, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज आई? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ब्रिटेन. कौन कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट एक्जिम पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी. देन नेविगेशन एक्ट, नेविगेशन एक्ट ऑफ 1851. समझ में आ रहा है? नेविगेशन Act of 1651, sorry, 1651. And third, industrial policy. Industrial policy. ये तीन policy ब्रिटेन ने Americans के लिए बनाई in 17th century. तो इनको हम क्या लिखेंगे? Exploitative economic, exploitative economic policy. क्लियर एवरीवन? सो अब एक एक पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे तो चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहला लॉ एक्जिम पॉलिसी. एक्जिम पॉलिसी क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. एक्जिम पॉलिसी क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. क्लियर एवरीवन? अब एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है? अब इस पॉलिसी में याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग मोनोपोली बना दी बहुत सारे आइटम्स पर, लाइक टबैको, लाइक कॉटन, लाइक शुगर. नाउ दीज आइटम्स कुड बी एक्सपोर्टेड ओनली टू इंग्लैंड फ्रॉम अमेरिकन कॉलोनीज. दैट मींस अमेरिकन्स अब इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स जो हैं, टबैको, कॉटन, शुगर, ये सिर्फ किसको बेच सकते हैं? ब्रिटेन को, और किसी को बेच नहीं सकते. तो इससे अमेरिकन कि क्या चली गई? इंडिपेंडेंस, कि वो अपने व्यापार भी बिना ब्रिटेन से पूछे नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो अब
दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एक्जिम पॉलिसी का मतलब हुआ अमेरिका विल ग्रो कॉटन फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है, बट इस कॉटन को बेचेगा कौन, ब्रिटेन, ब्रिटेन विल हैव द मोनोपोली टू सेल, मोनोपोली टू सेल, दैट मींस ब्रिटिश खरीदेंगे अमेरिकन से और फिर उसे बेचेंगे पूरी दुनिया में, तो इससे अमेरिकन ने अभी क्या खो दी, मोनोपोली, समझ में आ रहा है, ये होती है एग्जिम पॉलिसी, बिल्कुल इजी वे में समझो, समझ में आ रहा है, बुक्स की हेक्टिक लैंग्वेज में परेशान नहीं होना है, इतनी इजी वे में चीजें समझाई जाएंगी कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा हर सब्जेक्ट में, क्लियर। नाउ सेकंड पॉलिसी, दैट इज नेविगेशन लॉ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नेविगेशन लॉ, नाउ दिस नेविगेशन एक्ट और नेविगेशन लॉ, अब इसमें क्या था, अब इसमें यह कहा गया कि नेविगेशन एक्ट जो भी गुड्स, याद रखिएगा, जो भी अमेरिकन शिप्स विजिट करेंगे, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए अमेरिका का जो कोई शिप है, याद रखिएगा, अब अमेरिका से मान लीजिए टोबैको जाना है कहां पर, इंडिया, क्लियर, अब ये अमेरिका का शिप्स डायरेक्टली इंडिया नहीं आएगा, सबसे पहले इनको कहां पर जाना पड़ेगा, ब्रिटेन, समझ में आ रहा है, पहले अमेरिकन शिप्स कहां पर जाएंगे, ब्रिटेन में, और फिर यहां से आएंगे इंडिया में, दैट मींस इट वाज कंपलसरी फॉर अमेरिकन शिप्स टू विजिट ब्रिटिश पोर्ट्स बिफोर लीविंग फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, समझ में आ रहा है, अब ऐसा क्यों हुआ, ताकि जो अमेरिकन गुड्स की स्मगलिंग होती थी उसको रोका जा सके, समझ में आ रहा है, दैट मींस अब ब्रिटेन से पूछ के ही अमेरिकन अपने शिप भी भेजेंगे, तो अगर उन्हें कहीं जाना है तो सबसे पहले उन्हें जाना पड़ेगा ब्रिटेन के पोर्ट्स पर, फिर वहां से वो कहीं जाएंगे, ये था नेविगेशन एक्ट। अब देखो किस तरीके से अमेरिकन की जो राइट टू ट्रेड है, राइट टू फ्रीडम टू ट्रेड, फ्रीडम टू ट्रेड, वो किस तरीके से वॉयलेट हो रही है, समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड थिंग इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सबसे एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में याद रखिएगा, अमेरिकन्स वर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर यूनिट्स, समझ में आ रहा है, दैट मींस शुगर कौन ग्रो करेगा, याद रखिएगा, शुगर केन कौन लगाएगा, अमेरिकन्स, शुगर मिल कौन लगाएगा, ब्रिटेन, दैट मींस अमेरिकन्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की परमिशन भी छीन ली गई, अब अमेरिकन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी नहीं लगाते, लगा सकते, समझ में आ रहा है, दैट मींस शुगर केन ग्रो कौन करेगा, अमेरिकन्स, और शुगर मिल कौन लगाएगा, शुगर मिल विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटेन, क्लियर। सो दीज आर सम एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन, क्लियर एवरीवन, चीजें क्लियर हो गई, तो ये याद रखिएगा, ये थी इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो द कॉलोनीज वर ऑल्सो फॉरबिडन टू स्टार्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज, आयरन वर्क्स, टेक्सटाइल्स, अब ये सारी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते थे अमेरिकन, समझ में आ रहा है, तो अमेरिकन के जो लोग थे उन्हें फोर्स किया गया कि आप ये सारे गुड्स कहां से खरीदें, इंग्लैंड से, शुगर केन आपका, बट शुगर किससे खरीदोगे, ब्रिटिश से, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वॉयलेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, समझ में आ रहा है। अब ये ब्रिटेन क्यों कर रहा था, ताकि हर पॉसिबल वे में अमेरिकन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को और ट्रेड को रोका जा सके, समझ में आ रहा है, ताकि अमेरिकन किसी और के साथ ट्रेड ना कर सके, तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेज, ये याद रखिएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ पॉलिटिकल कॉजेज, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कॉजेज, ओके, तो पॉलिटिकल कॉजेज की अब अगर हम बात करें, नाउ देयर वर 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन वेयर इन अमेरिका, क्लियर, 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन इन अमेरिका। नाउ 13 कॉलोनीज, दैट मींस every colony
हर कॉलोनी का अपना एक गवर्नर होगा, क्लियर? 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, एवरी कॉलोनी हैज गवर्नर, तो दैट मीन्स अगर हर कॉलोनी का गवर्नर है तो टोटल कितने गवर्नर होंगे? देयर विल बी टोटल 13 कॉलोनीज है, दैट मीन्स 13 गवर्नर्स, 13 गवर्नर्स, और हर कॉलोनी का अपना लेजिस्लेचर भी होगा। एवरी कॉलोनी हैज अ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो अपनी अपनी कॉलोनीज के लिए लॉज बनाएंगे, क्लियर? सो ये लेजिस्लेचर किस लिए थे? दैट मीन्स देयर विल बी 13 लेजिस्लेचर्स, क्योंकि 13 कॉलोनीज हैं तो 13 लेजिस्लेचर्स, क्लियर? एंड दीज 13 लेजिस्लेचर्स दे विल फ्रेम लॉज, दे विल फ्रेम लॉज, एक तो लॉज बनाएंगे ये लेजिस्लेचर, एंड इन्हीं के पास राइट्स होगी टैक्स को इंपोज करने की, इंपोज टैक्सेस। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कॉलोनीज के अपने लेजिस्लेचर अपनी कॉलोनी के लिए लॉज बनाएंगे और टैक्स इंपोज करेंगे। इससे अमेरिकन को कोई भी, याद रखिएगा, इसके इससे अमेरिकन को कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉज नहीं बना रही, यहां पर लॉज कौन बना रहा है? यहां पर उनकी लेजिस्लेचर लॉज बनाएंगे और टैक्सेस इंपोज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब इसी सिचुएशन में ब्रिटेन में क्या हुआ 17 सेंचुरी में? नाउ इन 17 सेंचुरी, दैट मींस इन 1688 में ब्रिटेन में एक रेवोल्यूशन हुआ कॉल्ड एज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था? इस रेवोल्यूशन में कैपिटलिस्ट ने, कैपिटलिस्ट टुक ओवर ब्रिटेन, टुक ओवर ब्रिटेन, कहने का मतलब क्या है? यहीं पर ब्रिटेन में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन। यहीं पर मोनार्की क्या हो गया? एक नॉमिनल हेड हो गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड 1689 में, 1689 में ब्रिटेन में एक लॉ आया जिसको कहा जाता है जेंटलमैन रेजोल्यूशन, जेंटलमैन रेजोल्यूशन। अब ये जेंटलमैन रेजोल्यूशन क्या था? इस रेजोल्यूशन में कहा गया ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन के टैक्स पेइंग सेक्शन है, मतलब जो लोग टैक्स देते हैं, सिर्फ उन्हीं को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, और टैक्स पेइंग सेक्शन है कौन? कैपिटलिस्ट। दैट मींस 1689 से कैपिटलिस्ट के हाथ में पावर आ गई, याद रखिएगा, कहां पर? ब्रिटेन में। समझ में आ रहा है? अब ये था बैकग्राउंड। अब दूसरा रीजन, पॉलिटिकल कॉजेस। अब देखो अमेरिकन कॉन्शियस लोग हैं, वो सारी चीजें ध्यान रखते हैं। दूसरा रीजन ये था 1756 टू 1763, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। व्हाई? इस टाइम पीरियड में 7 ईयर वॉर चलेगा यूरोप में, 7 इयर्स वॉर इन यूरोप। अब 7 इयर्स वॉर इन यूरोप, अब ये यूरोप में वॉर हो गया किस चीज को लेकर? यहां पर याद रखिएगा, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन। कहां पर? ऑस्ट्रिया में, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वॉर ऑफ सक्सेशन ऑस्ट्रिया में चल रहा है, ऑस्ट्रिया के कब्जे में, याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, दैट इज इटली। ऑस्ट्रिया के पास क्या था? इटली। इटली क्या है? पोर्ट्स का एरिया है, जहां से ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। इटली इज द गुजरात ऑफ यूरोप। तो अब सभी को ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस दो दावेदार थे। ब्रिटेन चाहता था कि उनके याद रखिएगा मन का आदमी बैठे कहां पर? ऑस्ट्रिया में। फ्रांस चाहता था कि उनका आदमी बैठे ऑस्ट्रिया में। तो दोनों में वॉर ऑफ सक्सेशन, अब ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है, तो ब्रिटेन भी यहां पर इन्वॉल्व हो गया एंड फ्रांस का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है?
Now, in this war of succession, in 7 years war in Europe, Britain defeated France. Britain ने किसको हरा दिया? France को. Britain defeated France. समझ में आ रहा है? Britain defeated France in 1763. अब ये war तो खत्म हो गया 1763 में और France हार चुका है. समझ में आ रहा है? France सिर्फ ब्रिटेन यूरोप में ही नहीं हारेगा, फ्रांस अब आप देखिएगा किस तरीके से समझौता होगा. दिस इज अमेरिका, यहां पर कितनी कॉलोनीज है ब्रिटेन की? 13. कैनेडा में कौन है? फ्रांस. तो याद रखिएगा कि फ्रांस हार चुका था 7 ईयर वॉर में, तो फ्रांस का के पास जो कैनेडा था, तो अब कैनेडा किसके पास चला जाएगा? ब्रिटेन. तो ब्रिटेन took over Canada from France. अब फ्रांस का डर खत्म ब्रिटेन के अंदर से. अब ब्रिटेन याद रखिएगा यहां पर पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी. क्यों? क्योंकि अभी तक फ्रांस था. मान लो ब्रिटेन अगर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी लाता तो फ्रांस सपोर्ट कर देता अमेरिकन को, बट अब फ्रांस जा चुका है 1763 से. ये याद रखिएगा. तो आप देखेंगे कि वॉर हुआ, क्लियर, अमेरिकन कॉलोनीज में भी हुआ, एंड इस वॉर की वजह से एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई 1763 में, जहां पर फ्रांस को अमेरिका से और साउथ एशिया से जाना पड़ा. अब इस 7 ईयर वॉर की वजह से ब्रिटेन में क्या आ गई थी? इकोनॉमिक क्राइसिस. दिस वॉर रिजल्टेड इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस इन ब्रिटेन. अब ब्रिटेन की हमेशा से आदत थी, ब्रिटेन कोई भी वॉर लड़ता था रेवेन्यू किससे वसूलता था? इंडिया के लोगों से, टैक्सेस लगा के. समझ में आ रहा है? यही पॉलिसी अमेरिका में भी होगी. तो ब्रिटेन अब अपने वॉर के डेब्ट को रिकवर करने के लिए न्यू टैक्सेस इंपोज करेगा अमेरिकन कॉलोनीज पर, और बात यहीं से बिगड़ जाएगी. अब अभी तक अमेरिका कॉलोनीज पर टैक्स कौन लगा सकता है? अमेरिका के लेजिस्लेचर्स, जो कॉलोनीज के लेजिस्लेचर है. बट अब 1763 के बाद से अमेरिका के ऊपर टैक्सेस कौन इंपोज करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट. एंड दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय अमेरिकन्स. समझ में आ रहा है? दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय अमेरिकन्स. क्लियर? दैट इज वाई अमेरिकन्स अब याद दिलाएंगे ब्रिटेन को ब्रिटेन का ही लॉ. अमेरिकन्स ने बोला कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, बट एक काम कर दो, आप ही ने बोला था 1689 में जो भी टैक्स पेइंग सेक्शन है आप उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दोगे. तो अमेरिकन्स ने बोला कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, आप हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अमेरिकन्स ने बोला कि आप हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या दे दें? रिप्रेजेंटेशन. तो 1764 में एक स्लोगन आ गया कि जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक टैक्स नहीं दिया जाएगा. स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये याद रखिएगा. और सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, No taxation without representation, full stop, comment. इसमें यही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी, और यहीं से राइवलरी शुरू हो जाएगी किसके बीच में? अमेरिकन्स एंड ब्रिटेन के बीच में. समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाएंगे किसके ऊपर? याद रखिएगा अमेरिकन्स के ऊपर. अब ब्रिटिश विल इंपोज वेरियस टैक्सेस ऑन अमेरिकन्स. क्लियर? तो अब आप देखेंगे, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. English also angered the colonists by issuing a proclamation that prevented them from moving west into new lands. समझ में आ रहा है? That means Americans बिना पूछे ब्रिटेन के कहीं भी जा नहीं सकते थे. And ये याद रखिएगा, 1765 में British Parliament ने एक act pass किया called as Stamp Act. समझ में आ रहा है? Which imposed stamp taxes on all business transactions in American colonies.
revenue stamps up to 20 shillings were to be affixed to legal documents and other papers. अब stamp duty लगा दी किसने? British Parliament में. किसके ऊपर? Americans के ऊपर. So Britain became. अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि 1756 से 1763 तक Britain was involved in 7 years of war. Britain became the victim of financial crisis. समझ में आ रहा है? So in this scenario, Britain imposes new taxes on Americans. समझ में आ रहा है? And Americans ने immediately issue किया कौन सा issue? याद रखिएगा gentleman law कि हम tax तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमें British Parliament में representation नहीं देंगे. No taxation without representation. And this was the beginning of tension between American colony and Britain. समझ में आ रहा है? Slogan. कौन सा स्लोगन? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. क्लियर एवरीवन? एंड यहीं से याद रखिएगा बिगनिंग ऑफ टेंशन बिटवीन अमेरिकन कॉलोनी And Britain. And Britain. This much is clear to all of you. Clear everyone? Ye yaad rakhiyega. Clear? Now try to understand the social causes. To ab hum baat karenge social causes ki. To ab social causes kya kya hai? सोशल कॉजेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अमेरिका में है कौन. अमेरिका में मैंने आपको लास्ट सेशन में लास्ट लेक्चर जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला हुआ है तो उसमें आप उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन्स है कौन. अमेरिकन्स यूरोपियंस ही हैं जो याद रखिएगा 15th century, 16th century में जिन्हें सजा दी जाती थी यूरोप में उन सभी को कहां भेजा जाता था? अमेरिका में. और उन्हीं की आने वाली जनरेशन याद रखिएगा वो यूरोप से पूरी तरीके से अलग हो चुके थे. तो अमेरिका की पॉपुलेशन कौन सी होगी? ब्रिटेन के ही लोग नहीं होंगे, पोर्चुगीज स्पेनिश सभी होंगे. तो अमेरिका का कल्चर क्या है? डाइवर्सिफाइड सोसाइटी. क्लियर? दे वर डिटैच्ड फ्रॉम ब्रिटेन. अब वो यूरोपियंस नहीं रहे, अब वो कहां के हो गए? अमेरिकन के. क्योंकि इस टाइम पे जो अमेरिकन हैं वो उनके फ्यूचर जनरेशन हैं जो लोग पहले यूरोप से आए थे. सो दे डिटैच फ्रॉम मदरलैंड. क्लियर? सो सोसाइटी वॉज डायनेमिक इन नेचर. सोसाइटी का नेचर क्या है? डायनेमिक. एंड बिकॉज ऑफ वेरियस हर्डल्स, क्लियर, वेरियस रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय ब्रिटेन, पीपल वर अमेरिकन पीपल्स वर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम ब्रिटेन. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. क्लियर एवरीवन? ओके. अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉलिटिकल कॉजेस भी आ गए, सोशल कॉजेस भी हैं. अब इन सभी चीजों को सोसाइटी में अवेयरनेस कौन फैलाएगा? इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स. तो अब तुम देखोगे नेक्स्ट कॉज, रोल ऑफ फिलोसोफर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर यू कैन सी रोल ऑफ फिलोसोफर्स. और हर रेवोल्यूशन में इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. समझ में आ रहा है? दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अवेकनिंग एंड अवेयरनेस इन द नेशंस. सो द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री आर वेरियस पीपल्स लाइक थॉमस पेन. समझ में आ रहा है? थॉमस पेन. अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन थे? हेनरी पैट्रिक. क्लियर? एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन. ये याद रखिएगा. सो अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ इंग्लिश फिलोसोफर्स. ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं ये किससे इंस्पायर हैं? इंग्लिश फिलोसोफर से, जो यूरोप के फिलोसोफर थे लाइक जॉन लॉक, हैरिंगटन, मिल्टन,
ओके दे बिलीव दैट मेन हैड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच नो गवर्नमेंट हैड द राइट टू इन्फ्रेंज. तो इन फिलोसोफर्स का कहना था हर इंसान के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो गवर्नमेंट उनसे छीन नहीं सकती. इसीलिए अमेरिकन थिंकर्स लाइक थॉमस जेफरसन ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रेंच फिलोसोफर से. समझ में आ रहा है? जेफरसन ने कहा दैट कॉलोनिस्ट राइट टू रेबेलियन एंड एनकरेज देयर डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस. जेफरसन ने लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर किया कि उनके पास राइट है कि वो आवाज उठाएं किसके खिलाफ में, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट में, और इंडिपेंडेंस की मांग करें. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो इसी सिचुएशन में आप देखेंगे थॉमस पेन का रोल क्या है, लोगों को अवेयर करेंगे, अवेकनिंग लाएंगे लोगों में, जागरूकता. सो थॉमस पेन इज लाइक दादा भाई नरोजी ने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी ताकि लोगों को समझाया जाए किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटेन कर रहा है. उसी तरीके से अमेरिका में थॉमस पेन ने दादा भाई नरोजी जैसा रोल प्ले किया. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. देन हेनरी पैट्रिक, ही इज लाइक सुभाष चंद्र बोस ऑफ अमेरिका. हेनरी पैट्रिक का रोल कैसा है? सुभाष चंद्र बोस की तरह. एंड बेंजामिन का रोल कैसा है? बाल गंगाधर तिलक के जैसा. इस तरीके से चीजों को पढ़ोगे इंटरेस्ट भी जागेगा और चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. सो थॉमस पेन, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है याद रखिएगा, कॉमन सेंस. इनका एक जर्नल है, इनके जर्नल का नाम है कॉमन सेंस. थॉमस पेन ने क्या किया कॉमन सेंस में? इस जर्नल में थॉमस पेन ने ये एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनका नेचर किस तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव है. क्लियर? देन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने याद रखिएगा फिलोसॉफिकल सोसाइटीज बनाई. फिलोसॉफिकल सोसाइटीज. अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिलोसॉफिकल सोसाइटीज बनाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका में ताकि ये डिबेट कर सके और डिस्कस कर सके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पर. एंड हेनरी पैट्रिक, ही वॉज लाइक सुभाष चंद्र बोस. इनका ये कहना था दैट इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपोज द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. कि स्टेट जो भी गलत कर रहा है ये मॉरल ड्यूटी है हर इंसान की वो उसके खिलाफ आवाज उठाए. समझ में आ रहा है? और हेनरी पैट्रिक ने ही याद रखिएगा, हेनरी पैट्रिक का स्लोगन भी याद रखिए बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जैसा था. सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. हेनरी पैट्रिक ने क्या कहा? गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस. गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस. क्लियर एवरीवन? दिस इज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स. सी, समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा, तो ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका था अमेरिका के इंडिपेंडेंस का. ग्राउंड वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अपराइजिंग इन अमेरिका. एंड इसी सिचुएशन में स्पार्क किसने दे दिया? 7 years ऑफ वॉर, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने इंपोज किया अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, 7 year वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन में. क्लियर? ये याद रखिए. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स. ओके, नाउ अब ब्रिटेन ने 1764 बहुत सारे एक्ट्स लगाए. 1764 कौन कौन से एक्ट्स थे? स्टैम्प ड्यूटी, शुगर ड्यूटी एटसेट्रा. क्लियर? ये याद रखिएगा. नाउ रिफ्ट वॉज स्टार्टेड बिटवीन अमेरिकन्स एंड ब्रिटेन. अब जैसे ही ये ड्यूटीज लगाई गई, अमेरिकन्स ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, एजिटेशन कर दिया. समझ में आ रहा है? अब ये सारी ड्यूटीज किसने लगाई थी? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ग्रीनविल. ओके, दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज ग्रीनविल पॉलिसी. तो ग्रीनविल ने कहा कि दैट ब्रिटेन जो है अमेरिकन्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है. समझ में आ रहा है? स्टैम्प ड्यूटी, शुगर ड्यूटी. तो लोगों ने वहां पर क्या कर दिया? लोगों ने याद रखिएगा
वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्लियर एवरीवन, ये याद रखिएगा। नाउ अब जब अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेन में, याद रखिए, ग्रीन विल की गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन ऑफ ग्रीनविल गवर्नमेंट। क्लियर। नाउ अब इसी के बाद इलेक्शन हुए, अब न्यू पीएम आए ब्रिटेन के, न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन। अब न्यू पीएम कौन थे, याद रखिएगा, रकिंगम। रकिंगम, और रकिंगम ने आते ही एक डेक्लेरेशन दिया, ऑल्सो कॉल्ड एज रकिंगम डेक्लेरेशन। अब इस डेक्लेरेशन में क्या था, रकिंगम ने स्टैम्प ड्यूटी, शुगर ड्यूटी, इन सब को अबॉलिश किया। बट याद रखिए, इन्हीं के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। अब टैक्सेस तो अबॉलिश कर लिए गए, बट इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, रकिंगम के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, जिनका नाम था टाउनशेड, टाउनशेड। क्लियर। सो आई होप आप ये चार्ट्स ड्रॉ करते जा रहे होंगे। नाउ टाउनशेड, फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिटेन। अब इन्होंने क्या किया, याद रखिएगा, इन्होंने बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये लॉस तो हटा रही है, बट ब्रिटेन स्टिल हैव द राइट टू इंपोज टैक्सेस ऑन अमेरिकन्स। इन्होंने ये चीज अमेरिकन्स को दिखा दिया, ब्रिटेन स्टिल हैव द राइट टू इंपोज टैक्सेस ऑन अमेरिकन्स। अब इससे क्या होगा, दिस रिजल्टेड इनटू अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया इन अमेरिका, प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन अमेरिका। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखेंगे प्रोटेस्ट शुरू हो गया कहां पर, अमेरिका में, और अमेरिका में कहां पर शुरू हुआ, बोस्टन में। क्लियर, याद रखिएगा, यही याद रखिएगा, प्रोटेस्ट कहां पर शुरू हुआ, बोस्टन में। अब बोस्टन में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहीं पर याद रखिए कि जो प्रोटेस्ट कौन कर रहा था, सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स एंड इनके फॉलोअर्स। तो ब्रिटिश ने सैमुअल एडम को छोड़ के बाकी सभी को बहुत मारा था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉस्टन मैसेकर, बॉस्टन मैसेकर। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। एंड देन इन 1771, ओके, अब ब्रिटेन के नए पीएम आते हैं, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, जिनके टाइम पीरियड में, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, लॉर्ड नॉर्थ, इनकी पॉलिसी का नाम था टी पॉलिसी, टी पॉलिसी, कि ब्रिटेन के पास मोनोपोली है टी ट्रेड में। समझ में आ रहा है, ब्रिटेन के पास क्या है, टी ट्रेड में मोनोपोली है। समझ में आ रहा है? तो अब यही पॉलिसी मेन कारण बनी, मेन कारण, दैट मींस दिस इज द ब्लास्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर। तो अब याद रखिएगा 1773 में, 1773 में ब्रिटिश शिप आ रहा था, ब्रिटिश शिप, और ब्रिटिश शिप में क्या थे, टी कंटेनर्स, टी कंटेनर्स। अब यहीं पर लोग गुस्साए हुए थे, अमेरिकन्स, अमेरिकन्स ने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को खत्म करने के लिए फिर से कौन आ गया, सैमुअल एडम्स एंड हिज फॉलोअर्स। तो सैमुअल एडम्स और इनके फॉलोअर्स ने बोस्टन पोर्ट पर, बोस्टन पोर्ट पर
दे थ्रू टी कंटेनर्स इन अटलांटिक ओशन। इन सभी ने ब्रिटिश के जो टी कंटेनर थे उन्हें अटलांटिक ओशन में फेंक दिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी, समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉस्टन टी पार्टी। एंड याद रखिएगा, दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल टू ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने कहा कि अब ये चीज सहा नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? बॉस्टन टी पार्टी। और यहीं पर जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने कहा दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस एट दीज थिंग्स, और यू कैन से दिस एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन विल नॉट एक्सेप्टेड बाई ब्रिटेन। क्लियर? एंड इन दिस सिचुएशन जो 13 कॉलोनिस्ट हैं, 13 कॉलोनिस्ट और 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव दे मेट एट फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जगह का नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एंड यहीं पर हुआ फर्स्ट फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, फर्स्ट फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन में 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश से, ब्रिटेन गवर्नमेंट से एक बार बात करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, पहले पिटीशन की, समझ में आ रहा है? पिटीशन की किसके साथ? ब्रिटिश क्राउन के साथ और गवर्नमेंट के साथ। क्लियर? पेटीशन क्या थी? कि अमेरिकन को रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट। बट ब्रिटेन ने, याद रखिएगा, ब्रिटेन डिड नॉट एक्सेप्ट एंड ब्रिटेन स्टार्टेड सेंडिंग देयर फोर्सेस। समझ में आ रहा है? ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस भेजना शुरू करी एंड दिस रिजल्टेड इनटू सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। अब यहीं पर सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ 1776, और यहीं पे अडॉप्ट किया गया अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहीं पर अडॉप्ट किया गया डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं दिस थिंग दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 13 कॉलोनीज दे मेट इन अ ग्रुप कॉल्ड एज फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एज फिलाडेल्फिया इन 1774। इसी को कहा जाता है फर्स्ट फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। यहां पर कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी का नाम ही है, दैट मींस काइंड ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप। इन्होंने अपील किया इंग्लिश किंग से कि रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पर से, और कोई भी टैक्सेस इंपोज ना किए जाए बिना अमेरिकन्स के कंसेंट से। बट किंग ने इसको ईगो में ले लिया, ब्रिटेन के किंग ने, और ब्रिटेन के किंग ने इस एक्शन को डिक्लेयर कर दिया म्यूटनी और ऑर्डर दे दिया अपने ट्रूप्स को कि इस रेवोल्यूशन को सप्रेस किया जाए। समझ में आ रहा है? तब कॉलोनीज ने भी प्लान किया कि मिलिट्री डिफेंस किया जाएगा। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन के अगेंस्ट में। सो इन 1775 फर्स्ट बैटल ऑफ रेवोल्यूशन वॉज फॉट व्हेन 1,000 ब्रिटिश सोल्जर्स दे मेट द कॉलोनियल मिलिशिया। क्लियर? नाउ अब इसीलिए अमेरिकन्स ने 4 जुलाई 1776 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कॉल्ड एज सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। और यहां पर याद रखिएगा, अमेरिकन्स ने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। क्लियर? दे आर एंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर, दे आर गिवन सम फंडामेंटल राइट्स। सभी के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एंड देन दे अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है?
कि हमारे पास खुद की राइट्स है कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद सेटअप कर सकते हैं। और वहीं पर अमेरिकन ने शुरू किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन के अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो आफ्टर दिस डिक्लेरेशन ऑफ 1776 दे फॉट फॉर देयर राइट टू बी एन इंडिपेंडेंट नेशन, एंड इसीलिए इस दिन को कहा जाता है अमेरिका में अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? तो अब अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की मिलिट्री किसने संभाली थी? जॉर्ज वॉशिंगटन ने उस समय। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज पुट इन कमांड ऑफ अमेरिकन फोर्सेज। और पहला बैटल कहां पर हुआ? बॉस्टन के पास हुआ। इंग्लिश ने फोर्स भेजी कैनेडा में ताकि वो कैनेडा से हमला करेंगे किसके ऊपर? अमेरिकन के ऊपर। और अब आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि फ्रांस भी इस चीज का इंतजार करेगा कि किस दिन हम ब्रिटेन से बदला लें। तब आप देखेंगे 1781 में फ्रांस केम फॉर हेल्प। फ्रांस किसकी हेल्प करेगा? अमेरिकन की, टू अमेरिकन अगेंस्ट ब्रिटेन, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1781 में फ्रांस की फोर्सेस आ गई। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब से कब तक चला? 1776 से 1783 तक। समझ में आ रहा है, 1776 से शुरू हुआ एंड 1781 में फ्रांस की फोर्सेस आ गई अमेरिकन की हेल्प करने के लिए। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो दिस वॉर वॉज एंडेड इन 1781 व्हेन इंग्लिश कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का इन्वॉल्वमेंट कहां पर था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ रहे थे अमेरिकन के अगेंस्ट में। तो कॉर्नवालिस में याद रखिएगा सरेंडर कर दिया था अमेरिका में, एंड 1783 में अमेरिका एंड ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ पेरिस, एंड देन ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया अमेरिका के इंडिपेंडेंस को और 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस मिल गई। तो 1783 बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस अमेरिका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्लियर एवरीवन? अब जैसे इंडिया में भी जब इंडिया 1947 में एक अलग नेशन बना, तब इंडिया ने शुरुआत की अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। तो अब आप देखेंगे अमेरिकन क्या बनाएंगे? अपना कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रॉम 1783 टिल 1787 अमेरिका में बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन 1787 वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड। दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका वॉज अमेरिका इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, और वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया अमेरिका का। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड एन ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस बुक ऑफ रूल्स, कि किस तरीके से कंट्री को गवर्न किया जाएगा, और उसमें बिल ऑफ राइट्स के बारे में भी कहा गया है, जहां पर बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की, कि सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स दी गई हैं सिटीजंस को। समझ में आ रहा है? और इन डॉक्यूमेंट्स ने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को स्प्रेड किया। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो हमने भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें बोरो की हैं। समझ में आ रहा है? एंड 1783 में, अब देखो अमेरिका की हिस्ट्री, 1783 अमेरिका इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, इंडिपेंडेंट नेशन। क्लियर? 1787 अमेरिका अडॉप्टेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब मैंने आपको बताया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रेंच ने भी सपोर्ट किया था अमेरिकन को। अब फ्रांस के जब सोल्जर्स अमेरिका गए, अमेरिकन जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, डेमोक्रेसी, अपनी राइट्स के लिए, ये राइट्स फ्रांस में फ्रांस के लोगों के पास ही नहीं थी। तो इसीलिए जब फ्रेंच सोल्जर्स वापस गए फ्रांस में, उन्होंने वहां पर क्या कर दिया? अपने यहां फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा।
तो आप देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज इन 1789, क्लियर। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सारी कॉलोनीज कहां पर थी, ईस्ट साइड में। तो अब आप देखेंगे 1787 के बाद धीरे धीरे यूएस के लोग वेस्ट में एक्सपेंड करेंगे, क्लियर। एंड धीरे धीरे वो फॉर्म करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1787 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्लियर। एंड फ्रॉम 1776 टू 1850 अमेरिका 13 स्टेट्स से 50 स्टेट्स में बदल गया, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न कोस्ट, क्लियर एवरीवन। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, 17th सेंचुरी, अमेरिका क्या है, स्लम एरिया, क्लियर। 18th सेंचुरी अमेरिका क्या है, नेशन बन गया। 19th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी में नेशन, देन अमेरिका स्टार्टेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इन 19th सेंचुरी एडी अमेरिका बिकेम इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर। 20th सेंचुरी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका क्या बना, सुपर पावर। एंड इन 21st सेंचुरी अमेरिका बिकेम ग्लोबल पावर। समझ में आ रहा है, दिस इज एन इंस्पिरेशन, हर नेशन को अमेरिका से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो यूपीएससी इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्लियर। तो रीड करना जरूरी नहीं है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्लियर एवरीवन। सो आई होप आप सभी को अमेरिकन हिस्ट्री समझ में आई होगी, आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आईक्यू सिविल्स आईएएस एपीएससी यूपीएससी के नाम से दिया हुआ। सो थैंक यू एवरीवन।